नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यू में। आज चक्रव्यू में बात होगी मूर्तियों पर हो रही सियासत की, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तो कभी जिन्ना का जिन, तो कभी किसान, तो कभी मूर्तियों को लगाना, तो कभी किसी महान व्यक्ति को याद करना बड़ा आम सा हो जाता है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा होता दिख रहा है। जहां एक तरफ सम्मेलनों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ लोगों के बीच पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब बात मूर्तियां लगाने पर भी आ गई है। कभी भगवान कृष्ण की मूर्ति, तो कभी परशुराम की मूर्ति लगवाना, तो कभी किसी महान व्यक्ति की मूर्ति लगवाना, तो अब बात फूलन देवी की मूर्ति लगवाने पर आ गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, मूर्तियों पर सियासत भी बढ़ रही है और ये सियासी पारा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। दो दिन पहले समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन रायबरेली के ऊंचाहार में हो रहा था, तो वहां सपा की तरफ से फूलन देवी की मूर्ति भी लगवाने की तैयारियां की गई थी। हालांकि इसे लेकर वहां स्थानीय स्तर पर काफी ज्यादा विरोध रहा, साथ ही जिला प्रशासन ने भी मूर्ति लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की। इस पर यूपी सरकार के कानून मंत्री बृजेश पाठक का कहना था कि लोकतंत्र में सभी को अपने क्रियाकलाप करने की छूट है, लेकिन जो भी इस तरह के स्टैचू लगाए जाते हैं उसके लिए पहले शासन से अनुमति जरूर लेनी होती है। इसके बाद क्या था, बवाल खड़ा हो गया। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में मूर्तियों को लेकर जो सियासत जारी है, उसमें खास तौर से फूलन देवी की मूर्ति लगाने की सियासत दलों के बीच होड़ सी मची हुई है। पहले बिहार में एनडीए के सहयोगी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने यूपी में फूलन देवी की मूर्तियों को लगवाने का ऐलान किया। फिर उसके बाद ऐसा ही कुछ ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया और बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी ने भी मूर्ति लगाने की बात कही है। दरअसल मूर्ति के बहाने सियासी दल वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जुड़ गए हैं। फूलन देवी केवट बिरादरी से आती हैं और निषाद बिरादरी का अच्छा खासा वोट बैंक है, इसलिए सियासी दलों का झुकाव अब फूलन देवी की मूर्ति की तरफ जरूर नजर आ रहा है और ये होता भी जा रहा है। दरअसल मांग है कि 18 जिलों में मूर्ति लगनी चाहिए। मूर्ति निर्माण महज एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये तो साफ नजर आता है। दूसरी तरफ इसका एंगल एक और निकल कर आया है कि ये पूरी तरह से साफ करता है कि ये जनता के बीच पहुंचना नहीं, किसी को सम्मान देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट ही है। मायावती की लगाई गई मूर्तियों का जहां विपक्ष में रही एसपी भरसक विरोध करती रही। एक तरफ जहां अखिलेश यादव कहते थे कि ये पैसे की बर्बादी है, हम सरकार में आएंगे तो जमीन पर अस्पताल और स्कूल खुलवाएंगे, वहीं पलटवार के तौर पर मायावती कहती थी कि यदि उन पार्कों को छुआ गया तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में कानून व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो जाएगा, जैसी धमकियां लगातार देती थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरह से दोनों पार्टियां साथ में आ गई बीजेपी को हराने के लिए। तब ऐसे कोई मुद्दे उठाए नहीं गए थे, लेकिन जब 2022 का विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं तो जरूर इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। लेकिन ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था और जनता के पैसे की बर्बादी बताया गया था। दरअसल मूर्तियों के नाम पर अखिलेश और सपा का ये पॉलिटिकल शिफ्ट अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक कारनामा है। बहरहाल जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति से ये जरूर नजर आता है कि देश में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगी मूर्तियां बहस का हिस्सा हो गई हैं और स्टैचू यूनिटी के साथ साथ कई बड़ी मूर्तियों पर सवाल खड़े किए जाते हैं, यहाँ तक कि स्टैचू ऑफ यूनिटी पर भी। सवाल सीधा सा है कि जनता का पैसा जहां अस्पतालों, स्कूलों और जरूरतमंदों पर खर्च होना चाहिए, या फिर इस तरह मूर्तियों में लगाकर देश के साथ, क्या ये न्याय है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हम अगले आगे एक घंटे तक करेंगे। कुछ ही दिन में मेरे खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, तब तक आपको तमाम जानकारियां और लगातार हम दे देते हैं। दरअसल मायावती की मूर्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि बीएसपी प्रमुख मायावती को लखनऊ और नोएडा में अपनी और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथियों की मूर्ति बनवाने पर खर्च किया गया सरकारी धन लौटा देना होगा। इसके बाद मूर्तियां लगवाने वाली राजनीतिक पार्टियों पर एक साथ सवाल उठ खड़े हुए। सोशल मीडिया को लेकर काफी चर्चाएं होती रही। सोशल मीडिया के अगर तमाम आप पोस्ट देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, उसमें साफ तौर पर लोग ये कहते हैं कि आखिर जनता का पैसा सिर्फ और सिर्फ मूर्तियां लगवाने पर क्यों वेस्ट किया जा रहा है। कई लोगों का मानना था कि मायावती की लगवाई मूर्तियां सरासर गलत है और ये आम जनता के पैसे की बर्बादी है। तो वहीं एक पक्ष ये भी कहता है कि अगर मायावती की लगवाई हुई मूर्तियां गलत है तो पीएम मोदी ने जो हाल ही में सरदार पटेल का स्टैचू बनवाया वो भी जनता के पैसे से बना था और पैसे की बर्बादी है। तो इससे ये तो साफ हो गया
कि पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट है, राजनीति की जाती है, मूर्ति पर सियासी संग्राम बखूबी खेले जाते हैं, और चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, जब बात उत्तर प्रदेश की आती है ना, तब मूर्तियों पर संग्राम जरूर होता है, चाहे वो इससे पहले 2017 का चुनाव हो। बात अगर की जाए मायावती के स्टैचू और मूर्तियां लगवाने को लेकर, तो जो लोग दिल्ली से रोजाना नोएडा आते हैं या नोएडा से दिल्ली जाते हैं, उन्होंने जरूर देखा होगा एक खासा पार्क है, उसमें हाथियों की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ी हैं। इसे आकर्षण का केंद्र कहा जाता है, लेकिन कुछ जनता ये कहती है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी है। जनता का पैसा अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजेस में लगाना चाहिए, ताकि उससे लोगों का भविष्य उज्जवल हो, साथ ही साथ प्रदेश का विकास हो। लेकिन ये मूर्तियां लगवाकर या फिर यहाँ स्टैचू बनवाकर इससे क्या हासिल हो जाता है? जैसा कि एक और मुद्दे को मैं बताऊं, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, बहुत बड़ी मूर्ति लोह पुरुष की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया और उद्घाटन भी किया गया। उसके बाद लोगों ने तमाम तरीके के सवाल खड़े कर दिए कि इससे होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि इससे व्यवसाय बढ़ेगा, ये पर्यटक स्थल बनेगा, लेकिन उसके बाद कोरोना काल आ गया, आर्थिक मंदी और ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में अब लोग और भी सवाल करते हैं कि आखिर जब राजनीति मूर्तियों पर होती है, तो ऐसी मूर्तियां लगवाई क्यों जाती हैं? वहीं अब बात फूलन देवी की हो रही है। जी हाँ, फूलन देवी एक ऐसा नाम जिसे मैं मान ही नहीं सकती कि कोई नहीं जानता होगा, चाहे वो कोई युवा हो या बुजुर्ग हो। हाँ, हो सकता है कि बच्चे शायद ना जानते हो, लेकिन जो युवा हैं और जो बुजुर्ग हैं वो तो जानते ही होंगे फूलन देवी को। उनके नाम पर अब सियासत लगातार होती हुई नजर आ रही है। वीरांगना फूलन देवी पर लगातार सियासत ये हो रही है कि अब उनकी मूर्तियां कौन लगवाएगा। देखिए, एक बार सपा ने कहा था कि हम मूर्तियां लगवाना चाहते हैं, लेकिन इस पर निषाद पार्टी लगातार आपत्ति जता रही है। निषाद पार्टी का कहना है कि फूलन देवी ने सपा से टिकट लिया, सपा से वो मंत्री बनी, उसके बावजूद उनका कोई मूर्ति कहीं नहीं लगी है। तो ऐसे में अब ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, जब वो सपा में रही तो उनकी कोई इज्जत या कोई कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन अब जब सपा लगातार ये कोशिश कर रही है कि आगे बढ़ा जाए, तो इसको पॉलिटिकल स्टंट बनाया जा रहा है। तो ऐसे में जरूर कहा जा सकता है कि चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, या फिर खुद बीजेपी हो, या फिर तमाम अन्य दल हो, ये मूर्तियों का जो संग्राम है ना, वो लगातार उत्तर प्रदेश में नजर आता है। चाहे वो परशुराम को देख लीजिए, मायावती कहती हैं कि वो बहुत बड़ी मूर्ति परशुराम की लगवाएंगे। पहले तो वो हाथियों की मूर्ति लगवा रही थी, अपनी खुद की मूर्ति लगवा रही थी, अब वो परशुराम पर आ गई हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। कि ये राजनीति नहीं है तो और क्या है, जनता साफ साफ देख रही है। ऐसे में हम ये जानने की कोशिश आज करेंगे इस चर्चा में कि आखिर ये क्या है, क्या ऐसे सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही है, क्या जनता इतनी ना समझ है कि जनता को नहीं समझ में आता कि कौन सा आप स्टंट खेल रहे हैं। जनता को सब समझ में आता है, जनता 2022 में जवाब देगी। तो पूरी तरह से जनता पे छोड़ दीजिए, इतना टेंशन लेने की और इतना ज्यादा आगे बरगलाने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों को लगातार ये चेतावनी लोग दे रहे हैं, इस तरह के जो मीम्स हैं, इस तरह के जो पोस्ट हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बात अगर बीजेपी की जाए, तो बीजेपी ये कहती है कि हम राम की मूर्ति बहुत बड़ी लगवाएंगे। देखिए, राम मंदिर को लेकर लगातार बीजेपी राजनीति करती आई है, किसी से छुपा नहीं है। भले ही बीजेपी इस बात को ना माने, लेकिन राम के नाम पर राजनीति तो खूब की है, और इसी बलबूते 2019 में लोकसभा चुनाव, उससे पहले 2017 में विधानसभा उत्तर प्रदेश के, बाकी और जगह की मैं बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं। इसके अलावा अगर बात की जाए कृष्ण की मूर्ति की, तो जैसा कि यदुवंशी जानते हैं कि वो कृष्ण के वंशज हैं, तो उनका ये मानना होता है कि अब वो कृष्ण की मूर्ति लगाएंगे तो उससे उनका एक जो पॉलिटिकल इफेक्ट है वो और ज्यादा अच्छा नजर आएगा। तो चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कपिल श्रीवास्तव सपा प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। अनीता अग्रवाल जी प्रवक्ता हैं बीजेपी की। विनोद सिंह नेता हैं कांग्रेस के। AK मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। सबसे पहला सवाल अनीता अग्रवाल जी से, क्योंकि सत्ता में वही हैं, तो सबसे पहले सवाल उनसे करूंगी, वरना सपा के जो प्रवक्ता है ना कपिल जी, बहुत नाराज हो जाएंगे। तो सबसे पहले अनीता जी से सवाल। अनीता जी, ये मूर्तियों का संग्राम, मूर्तियों पर सियासत आखिर कब तक होती रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फूलन देवी की जो तस्वीर की बात चल रही है, ये पहले से समाजवादी पार्टी में थी, अभी तक क्यों नहीं लो? पहले तो उनसे ये पूछो कि जो इनकी संपत्ति थी, इनका जो वो था, वो सब कहाँ है? जो इनका पैसा था वो सब कहाँ पे है? वो उसी का कोई हिसाब नहीं है। और सब और आज जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 5 साल सरकार रही है, तब इनको फूलन देवी याद नहीं आई थी, और अब जब इलेक्शन का समय आ रहा है तब इनको फूलन देवी याद आ रही है, उनकी मूर्ति याद आ रही है।
कभी कहते हैं हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, कभी कहते हैं हम कृष्ण की मूर्ति लगाएंगे। असल में ये लोग जो कार सेवकों पे गोलियां चलाने वाले लोग, आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे करने वाले लोग, अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग, ये जो छवि बनी हुई है, इस छवि को वो अपना किसी के से खाना चाहते हैं, जबकि वो जनता अच्छे से जानती है वो छवि हटने वाली। तो मूर्तियों पर सियासत तो बीजेपी भी मालूम है, बीजेपी ने कम नहीं की है अनीता जी, मूर्तियों पर सियासत तो बीजेपी ने भी बखूबी की है। बीजेपी भी तो लगातार सियासत करती है, चाहे वो 2019 से पहले चुनाव से एंड पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की लोह पुरुष की इतनी बड़ी प्रतिमा लगवा देना, उसे टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट करने की बात करना, व्यवसाय से जुड़ना, रोजगार से जुड़ना। आखिर मुझे बताइए कितने रोजगार मिले हैं वहां पर। देखिए वो एक ऐतिहासिक महापुरुष थे वल्लभ भाई पटेल, और उनकी मूर्ति एक बड़े से लगाने में और सबसे बड़ा उसको हिस्टोरिकल बनाने की बात हो रही है, क्या इतनी बड़ी मूर्ति विश्व में कहीं नहीं इतनी बड़ी मूर्ति का, और सबसे खुशी खुशी लोगों ने अपने यहाँ से लोहा दिया, अपने यहाँ सब चीजें दी, लोगों ने खुशी खुशी उसको दिया है और खुशी खुशी वो बनी है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वो फंड से नहीं लिया, लोगों ने अपने खुशी से उनको दिया कि आप बनवाइए। आपको मालूम होगा कि लोहा भी हम लोगों ने लोगों के घरों में जाके लिया गया और लोगों ने बड़ी खुश, क्योंकि एक ऐतिहासिक महापुरुष है वल्लभ भाई पटेल, वो हमारे सिर मोर है। अगर उनका अगर लगता है तो उसमें फूलन देवी कौन सी ऐतिहासिक पुरुषा में ये बता दीजिए, महारानी है। ठीक है, हम मानते हैं कि वह उनके साथ जाती हुई उन्होंने भाई फिर पॉलिटिक्स में आई, सब मानते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात सिर्फ फूलन देवी की नहीं हो रही है ना, बात सिर्फ फूलन देवी की नहीं है, बात तो परशुराम जी की मूर्ति की भी हो रही है, राम जी की मूर्ति की भी हो रही है। राम जी क्या कहा मैंने, कहा देखिए राम जी की मूर्ति है, परशुराम जी और कृष्ण जी की मूर्ति, मैंने कहा ना ये अपनी छवि को जो इनकी छवि कार सेवकों पे गोली चलाने वाली है, जो इनकी छवि है जो आतंकवादियों के पक्ष मुकदमे करने वाली है, जो इनकी छवि अपराधियों को संरक्षण देने वाली है, जो निषाद पार्टी तो आपसे ही जुड़ी है ना, खुला प्लाट हमारा, खुली दुकान हमारी, निषाद पार्टी तो आपसे ही जुड़ी है, उस छवि को खत्म करने के चक्कर में यही सब कर रहे हैं, जबकि दुनिया जानती है, जैसे कोई तो जनेऊ पहन लेता है इलेक्शन समय आते हैं, मंदिर याद आ जाते हैं, जनेऊ याद आ जाते हैं, देवी के मंदिर याद आते हैं, गंगा याद आ जाते हैं। आज लोगों को बना पड़ा है कि हम हिंदू हैं, और हम लोगों को बताना तो आपके लिए तो अच्छी बात है ना, शुरू से कहते आपके लिए तो अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए शुरू से। नहीं वही तो हम कह रहे हैं, हम तो खुश हैं, हम तो बात बहुत खुश हैं कि जो पहले हिंदू को इतनी गालियां दिया करते थे आज कम से कम अपने को मान तो रहे हैं। ये हमारे मोदी जी की योगी जी की बड़ी उपलब्धि है और जनता का समर्थन है और जनता का विश्वास है, हम तो सबका साथ सबके विश्वास की बात करते हैं। जो बीजेपी पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में है, बीजेपी को जरा डर नहीं है, बीजेपी को जरा डर नहीं है उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए। बीजेपी को देखो, जनता का पूरा भरोसा है, जनता को भाजपा भरोसा है, 14 से लेकर आज तक आप देख लीजिए जनता ने हम पे भरोसा किया, 14 में भी हम जीते, 17 में भी जीते, 19 में जीते, 22 में भी हम जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है क्योंकि जनता हमारे साथ है। अनीता जी बहुत ही विनम्र स्वभाव में आपसे ये बोल रही हूँ मैं कि एक बार सोशल मीडिया पर जाइएगा और देखिएगा कि लोग कितने ज्यादा बेबस अपने आप को महसूस करते हैं। रोजाना खबरें आती हैं, कहीं लूट की, कहीं डकैती की, कहीं बलात्कार की, और कहीं व्यवसायियों से लूटपाट की। व्यवसायी तबका नाराज है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान नाराज है, लगातार जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, आपराधिक थोड़ा सा तो देख लीजिए। मैं आपकी बात को मानती हूँ, सबसे बात ये समझ लिया, मैं ये नहीं कह रही अपराध खत्म हो गए, लेकिन अपराध पहले से बहुत कम हुए हैं। अपराधियों को संरक्षण किसने दिया, हौसले किसने बढ़ाई, जनता अच्छे से जानती है। हमने अपराध जनता क्या जानती है, सीधे सीधे बताइए ना अनीता जी जनता क्या जानती है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जनता क्या जानती है, आप सीधे बताइए। नहीं मैं सीधे बताई, 5 साल में अपराधी कोई बड़े होकर पैदा नहीं हो गए हैं, ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टियां जो अपराधियों के हौसले बुलंद करती रही, ये सब जाने अपराधी के हौसले किससे बुलंद किए, और आज कम से कम अपराधी जेल के अंदर है, ये हम भी जान रहे हैं। लेकिन आप मेरी बात ये नहीं मान रही है कि निषाद पार्टी जो मांग कर रही है फूलन देवी की मूर्ति लगाने को लेकर, वो तो आपसे ही जुड़ी हुई है। चलिए इस पर भी मैं आपको सुनूंगी आगे। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए सपा के प्रवक्ता हैं, उनसे भी जवाब लेना बेहद जरूरी है। कपीर जी, सपा को फूलन देवी बहुत याद आ रही है, क्या बात है? काजोल जी, बहुत सीरियस एक बात कहा गया है कि उंगली मार डाकू भी लोगों को याद आते थे जब वो बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु बन गए, और हृदय परिवर्तन
प्रकरण कैसे वाल्मीकि जी का हुआ, एक अशोक राजा जो है वो संत बना और जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया, तो यही तो है, यही है जो हमारे मनीषी सिखाते हैं कि अगर किसी के साथ कभी हृदय परिवर्तन हो तो उसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना चाहिए और उसे आदर्श बनाना चाहिए। तो आपने तो बीजेपी की बात को पूरी तरह से सही कर दिया। क्यों हो रही है? आपने तो अनीता जी की बात को बिल्कुल सही साबित कर दिया कि पहले डाकू और फिर सन्यासी। मैं तो एक बात कह रहा हूँ ना काजल जी, वक्त काल परिस्थिति, आप अगर अपराध शास्त्र पढ़े तो क्योंकि हम तो विधि के छात्र हैं और अनीता जी भी उसी विधि को पढ़ करके आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपराध शास्त्र में एक बात स्पष्ट कहा गया कि कोई अपराधी मोक्ष से पैदा नहीं होता है और उसकी वक्त काल परिस्थितियां पूछनी चाहिए। जब सामान्य वर्ग में अजय सिंह बिष्ट जी के समाज के लोग जो उस समय उनके साथ अत्याचार अनाचार दुराचार बलात्कार किए और एक नहीं 22 एक साथ, आप तो अचानक से, तो बहुत सालों पुरानी बात है ना कपीश जी, अचानक से क्यों, अचानक से क्यों होता है कि चुनाव के दौरान ही सब कुछ याद आ जाता है? उससे पहले कहां ही मूर्तियां चली जाती हैं? किसी भी स्त्री के साथ अगर बलात्कार कर दिया जाए, सुन ले, किसी भी स्त्री के साथ अगर बलात्कार होता है तो शरीर से नहीं आत्मा के साथ होता है और जब तक उसका जीवन चलता है वो भूल नहीं सकती। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कपीश जी कि अगर अगर उनके साथ कानून ने साथ नहीं दिया और उन्होंने गलत रास्ता अगर अपनाना पड़ा तो उन्होंने समर्पण किया था और अपनी विधियों के तहत किया था, तभी वो आज आज जो है जब वो चुनाव लड़ी तो उस समय वो डाकू नहीं थी। और दूसरी चीज ये कि जिस समाज से आती है, दबे कुचले समाज को किसने दबाया कुचलाया था? जिस समाज के लोग हम भी उस समाज में है, मैं तो कहता हूं कि जिनको दबाया कुचलाया गया अगर आज उनको हमारा संविधान कहीं ना कहीं से मजबूती प्रदान कर रहा है तो उनके साथ क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप जो कह रहे हैं कपीश जी, आदर्श स्थापित करने के लिए मूर्ति लगती है, लेकिन किसी व्यक्ति किसी मूर्ति से किसी का व्यक्तित्व बड़ा नहीं होता है। जैसा कि ये बता रही थी सरदार पटेल जी का व्यक्तित्व उतना बड़ा था तब आपने मूर्ति लगवाई है। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मूर्ति क्यों नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप मुझे ये बताइए कि अचानक से क्यों याद आ गया? आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप हमेशा कांग्रेस के लीडर को आपको बोल लेना आपकी मजबूरी बन गई। आप मेरी भारतीय जनता पार्टी ने तो नाखून नहीं करवाए। आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि इतनी देरी से क्यों याद आई फूलन देवी? तो कई सालों से आपकी पार्टी में रही है तो फिर इतनी देर क्यों? और अब जब चुनाव आ गए हैं 2022 के तो फिर क्यों, मतलब क्या वजह हो सकती है इसके? बहुत ही शालीन तरीके से आपसे पूछ रही हूं। नहीं नहीं, आप कब अभद्र रूप से आप अभद्र रूप से पूछती हैं, आप हमेशा भद्र एक एंकर हैं और आपने और आप भद्रता के साथ की बात। नहीं फिर मैं आपसे आपसे ये कह रहा हूं काजल जी कि देखिए जी मैं ये कहता हूं काजल जी कि देखिए बहुत स्पष्ट बात आपको कह रहे हैं कि बहन फूलन देवी जो है वो हमारे ही पार्टी में थी, हमारे पार्टी से विधायक बनी थी, ठीक है, और ऐसा नहीं कि उनके लिए या उनके समाज के लिए हमारी पार्टी ने नहीं किया। यहाँ तक कि जब उनकी हत्या हुई तो उसके ऊपर भी आंदोलन हम लोगों ने मुसलसल चलाया और आज जो इन्हीं की पार्टी के अंग बनी हुई है निषाद पार्टी जो आज इनके साथ है, जो कि ये कहते हैं उनके संजय निषाद जी कि हम हत्या करवा देंगे जलवा देंगे फिर उसके बाद हम वो जीत लेंगे, और तमाम चीजें अभी वायरल हुई थी आपने देखा होगा जिस तरीके से उनका जो है स्टिंग जो है टाइम्स नाउ ने कराया था, वो सारी चीजें उनको अभी भी ये हृदय से लगाए हुए हैं। प्रश्न तो यहाँ खड़ा होता है, प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि जो VIP पार्टी है जो खुद कह रही है कि हम इतने बड़ी जो है मूर्तियां लगाएंगे वो इनके साथ खड़ी है बिहार के अंदर भी उत्तर प्रदेश के अंदर भी, तो प्रश्न तो इनसे करना चाहिए कि ये अपने साइड ट्रैक लोगों से क्यों राजनीति करा रही है। बिहार अगर बिहार उत्तर प्रदेश की बात तो मत ही करिएगा क्योंकि जब चुनाव होते हैं चाहे वो बिहार में हो चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो तो दोनों एकजुट हो जाते हैं। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी कपीश जी, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब तो आपने नहीं दिया, आपने बहुत बातें कही, तो उसके बाद यहाँ पर विनोद सिंह भी मौजूद हैं, नेता कांग्रेस से हैं और युवा नेता हैं। विनोद जी आप बताइए कि ये जो मूर्तियों का सियासी संग्राम हो रहा है इसमें कांग्रेस क्यों बहुत दूर है? कांग्रेस को तो बल्कि सबसे आगे होना चाहिए क्योंकि सियासी जमीन तलाशनी है तो किसी चीज का सहारा तो लेना पड़ेगा। काजल जी अच्छा सवाल है, मैं कहता हूँ परशुराम जी पटेल जी फूलन देवी ये सब निशाना है, इन पार्टियों को इनके लोगों के होट वोट हथियाना है और मूर्ति लगा के इस मूर्छित जनता को जो मूर्छित अवस्था में जनता है उसको बेवकूफ बनाना है।
उद्देश्य ये है, कांग्रेस पार्टी जीवंत लोगों की नर सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा में सैद्धांतिक रूप से विश्वास करते हुए उनकी सेवा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है, आवाज उठाने का काम कर रही है, और सरकार से आर पार की लड़ाई कांग्रेस पार्टी किसी विपदा काल में नहीं हो रहा है। विनोद जी, हम देख तो पा रहे हैं, बहुत देर से देख रहे हैं, बहुत हाथ पैर जो कांग्रेस है मार रही है, लेकिन विजन क्लियर नहीं है। देखिए बाकी पार्टियों का नजर आ रहा है, चलिए ठीक है, मूर्तियों पर सियासी संग्राम हो रहा है तो देखते हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है, चलिए ठीक है, सभी पार्टियां प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, कांग्रेस का विजन साफ नहीं है क्या? मतलब इतना क्यों, इतना आलस्य क्यों नजर आ रहा है कांग्रेस में? वो जो फुर्ती है बाकी पार्टियों में जो दिखाई दे रही है, वो कांग्रेस में क्यों नहीं दिखाई दे रही? देखिए मैं ये अपने पास से नहीं कह रही हूँ, जो तस्वीरें सामने आती है और जब हम फील्ड पर निकलते हैं तब देखते हैं हम। आपको ऐसा क्यों लगता है? लगातार हम किसान की, बेरोजगार की, महिलाओं की बेहतरी के लिए संवाद कर रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं, उनको सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, और जो अपार विजन, जो आशा भरी निगाहें, जो विश्वास उनका हमें जनता में मिल रहा है, उससे हम पूरी तरीके से आशावादी हैं। और ये आगामी विधानसभा के चुनाव ये लोग जो भी करते रहे, मतलब हम ये समझे कि कांग्रेस लाइमलाइट से दूर होकर अब जनता के लिए काम कर रही है, धरातल से सीधे जनता के हृदय में जनता के साथ कदम ताल कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। अमेठी में क्या चल रहा है बताइए मुझे, अमेठी में जनता खुश है कांग्रेस से? पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता खुश है, और एकमात्र पार्टी, एकमात्र राजनीतिक विकल्प के ऊपर देख रही, वो कांग्रेस पार्टी। तो 2019 में क्यों नकार दिया? चुनाव बता देंगे। 2019 में क्यों नकार दिया कांग्रेस को? ऐसा क्या हो गया था, इतनी नाराजगी क्यों थी जनता को कांग्रेस से? देखिए जब कोई मदारी आता है तो बड़े खेल तमाशे दिखाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, सर्कस करता है, तो थोड़ी देर के लिए जनता मन बहलाने के लिए आ जाती है भावावेश में, अनीता जी सुनते रहिएगा, साफ हो चुका है। अनीता जी बोलिए, मैं जवाब दे दूं जी। हाँ देखिए, अभी आप शांति से सुनिएगा, मैंने बड़ी शांति से विनोद जी को सुना है, विनोद जी मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत शांति सुनेगा। आप बड़े अपना बता रहे हैं कि हम नर सेवा, नारायण सेवा करते रहे। आपको अच्छे से याद होगा कि जब आपकी सरकार थी, सबसे पहला कांड तंदूर कांड आप ही की सरकार में हुआ था, और निर्भया कांड भी आप ही की सरकार में हुआ था, और सबसे ज्यादा कश्मीर की समस्या, पंडितों को जो मार के निकाला गया वो आप ही की सरकार में हुआ था, सिखों का कत्लेआम जो हुआ वो भी आप ही की सरकार में हुआ था, आपको अच्छे से याद होगा, बॉम्बे बम ब्लास्ट आप ही की सरकार में हुआ था, और आपको अच्छे से याद है कि हम जब गए तो हमको ये कहा जाता था कोई को मत उठाइएगा, बम हो सकता है, विस्फोट हो सकता है, चाहे ट्रेन में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे कहीं, हर जगह आतंक का एक भय रहता था। आज हम हमारा देश और हम कितने सुरक्षित है, नर सेवा नारायण सेवा ये होती है कि मार काट नर सेवा नारायण सेवा होती है, शर्म आनी चाहिए आप कैसे बोल रहे हैं, जो आपके इतिहास रहे अपने इतिहास, और आज राहुल बाबा को चलिए मंदिर याद आते हैं। अनीता जी ठीक है, इस पर आएंगे, इस पर सवाल भी लेंगे, कांग्रेस से सवाल लेंगे, इस पर सेवा की बात करके कब हत्यापन ना करिए अनीता जी, कांग्रेस से सवाल लेंगे, बहुत देर से कि मिश्रा जी पे बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। सुरक्षा के घेरे में आज हम सब लोग अपने सुरक्षित हैं। देखिए अनीता जी, समय सबको मिलेगा, लेकिन बहुत देर से एके मिश्रा जी इंतजार कर रहे हैं। एके मिश्रा जी, आप बहुत देर से सुन रहे होंगे, मूर्तियों पर सियासी संग्राम ये हमारा आज का मुद्दा है, क्योंकि हर बार जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो और चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, मूर्तियों को लेकर सियासी घमासान जरूर होता है, लेकिन अचानक फूलन देवी जो है वो महान हो गई हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि वो महान नहीं हैं या वो महान नहीं थी, लेकिन अचानक क्यों याद आ रही हैं उनकी? क्या सिर्फ चंद वोटों के लिए, सिर्फ महज एक चेहरे को या महज एक नाम को इस्तेमाल करना सही है? देखिए बात इस्तेमाल करने की नहीं है, और मूर्तियां लगवाने पे भी मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं हर पार्टी का बता दूं तो कांग्रेस के पास तो अब कुछ है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने 40-50 साल में खूब मूर्तियां लगवाई है, नेहरू जी की है, कांग्रेस को सीधे आपने दरकिनार कर दिया, एके जी कांग्रेस से सीधा साइडलाइन। सुनिए ना, आप ये जवाब अगर देंगे, मैं बोल रहा हूँ बोलने दीजिए। अब मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, भाई आपके पास कौन सा महापुरुष बचा है जिसकी आप मूर्तियां लगवाए? समाजवादी पार्टी मूर्ति के खेल में नहीं है, इनके मन में बात यह है कि जालीदार टोपी लगा करके ये मूर्ति तो मोहम्मद साहब की लगाना चाहते हैं,
लेकिन अगर ये मोहम्मद साहब की मूर्ति लगाएंगे तो इनका वोट बैंक गायब हो जाएगा, इनकी मजबूरी है। तो अब इनको मिला कौन? फूलन देवी। ठीक है, उनकी जिंदगी की अपनी कहानी है, उसके लिए हमें भी खेद और दुख है, सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, हमें तो जनेश्वर मिश्रा जी भी मिले थे, मिश्रा जी जनेश्वर मिश्रा जी भी मिले थे, जिनकी हमने मेरे मित्र यार, आप बीच में क्यों बोलने लगते हैं? आप अधिवक्ता हैं, मुझे सिर्फ ये बताइए, आप जो है जानीदार सोची था बात पूरी हुई नहीं, देखने लगे मुझे। अच्छा कपिल जी सुन लीजिए ना, बहुत गहरे से सुन रहे हैं शुरू से अब तक, लगभग 20 मिनट मैंने बहुत गहरे से सुना है। अब आप और ना मस्जिद में कोई मूर्ति होती है जिसको आप स्थापित करेंगे? सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए, बहुत गहरे से सुन रहे हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जानीदार सोची मूर्ति का नहीं है, आपके मन में आपकी व्यवस्था यही है कि आप वहां की मूर्ति नहीं लगवा सकते हैं पैगंबर साहब की, नहीं तो अब तक तो हर चौराहे पे आप खड़ी कर। अरे भाई, पैगंबर साहब का स्वरूप ही नहीं है, उस धर्म में मूर्ति नहीं लगती है, कहां आप चले जाते हैं? समाजवादी पार्टी के लिए कौन सी चीज असंभव है? मुझे तो अल्लाह की या पैगंबर की मूर्तियां नहीं बनती है, वो मूर्ति नहीं लगती। तो सबसे बड़ी व्यवस्था है ना, आप समझ ही नहीं रहे हैं, आप व्यवस्था वही है, ऐसे देख रहे हैं, आपकी वही व्यवस्था है, आप क्लियर नहीं पाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। बस कम से कम उनके धर्म से तो बात कहिए, आप यहीं पे फंस गए हैं, इसलिए आप पूलन देवी की मूर्ति। अरे मिश्रा जी, हमारे फंसने की चिंता कीजिए। अच्छा बोल लीजिए, हम लोग के फंसने की चिंता न कीजिए। जब आदमी का शरीर आता है तो वो शरीर में फंस जाता है। आप बोलिए, बात आप ये वकील और बोलिए, बोलिए आप और मिश्रा जी, मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ मैं बोल रहा हूँ माननीय मिश्रा जी, जब कोई व्यक्ति इस शरीर में आता है तो ये पिजड़ा माना गया था आत्मा, और इसमें जो आत्मा जीवात्मा है वो कहीं ना कहीं आके इसी शरीर में फंसी रहती है, ये भी आप जान रहे हैं। तो हम और आप अगर कहीं फंसते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जालीदार टोपी की आप बात कह रहे हैं, आप जहाँ फंसे हैं, आप भी फंसे हैं, हम भी फंसे, आप भी फंसे हुए इंसान हैं, हम नहीं फंसे भाई, आप भी, आप तो सदैव फंसे हुए इंसान हैं, आपकी बात आप यही नहीं जान रहे कि जिस धर्म और जिस जाली टोपी की बात कर रहे हैं उसमें मूर्तियां नहीं लगती है। इतना हंगामा अभी तक खत्म हुआ, अभी तक शुरू हुई है, बोल दी तो आप एकदम परेशान हो गए मित्र, अभी हमारी तो बातें शुरू हुई है। फूलन देवी जी बोलिए। हाँ, मैंने ये बोला कि ठीक है, उनकी जिंदगी में जो हुआ उस पर बहुत जाते हैं, बोलिए बोलिए जी, आप सुन ले रहे हैं, फिर आपकी बात कौन सुनेगा? नहीं नहीं भैया, इनको ना जनता सुन रही है, हमारी बात ना सुने, इनकी पार्टी तो कोई नहीं सुन रहा है। मिश्रा जी तो चलिए, हम भी पत्रकार हैं, आप कहां जालीदार टोपी बोल रहे हैं? वरिष्ठ पत्रकार है वो, बहुत पार्टी के साथ में राजनीति जो है वो वरिष्ठ पत्रकार, आप कहां फंस जा रहे हैं टोपी और जवाब दीजिएगा सर। आप चुनाव जीत गए 2022 का, माला पहना दूं आपको अभी, माला पहना दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, माला पहना नहीं पड़ेगा आप जरा। अरे हमें आपके धन्यवाद की जरूरत नहीं, आप जाके लखनऊ में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठिए, यहाँ क्यों बैठे तो हम लोग सरकारी लोग हैं, धन्यवाद ही देते। नहीं नहीं नहीं, आप जाके कोई मंत्री मिनिस्टर बनिए ना, हम लोग सरकारी लोग हैं, धन्यवाद ही देते हैं, जाके विधानसभा में बैठिए विधायक बन के, डिबेट में क्यों आ जाते हैं, क्यों बुला लेते हैं? मिश्रा जी, आप जालीदार टोपी में फंसे हुए हैं, आज जिस टॉपिक पर बात हो रही है उसका तो कर लीजिए, मूर्तियों पर बात हो रही है और इसी सियासी हथकंडे से जालीदार टोपी उसमें कहां चली आई? ये बोलने नहीं देंगे मैम, हमें ऐसा मैं पूछ रहा हूँ कपिल जी, आप नहीं देंगे जब तक आप इनका बात कर रहे थे, ये जालीदार टोपी पे फंस गए नहीं, ये गलत है, आप उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इनकी इनकी बात अखिलेश भैया भी नहीं सुनते हैं, इनके नेताजी नहीं सुनते हैं, बेहतर है डिबेट को चलाना है तो इनका माइक बंद कर दीजिए, इनका माइक बंद कर दीजिए। देखिए अब आप शांत हो जाइए, आप बोल लेने दीजिए बस, यानी आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। मैं आपके पास आऊंगी, आपकी पार्टी करती है ना, फिर दीजिएगा जवाब, आपकी पार्टी करती है ना विश्वास, आप करिए। रही बात पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा कि हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तभी जनता से भी चुनाव हो जाते हैं। हाँ, पहले आप ही बताइए, बता लीजिए और बताइए।
और बोलिए। नहीं, आपने पूछा तो हमको बताना पड़ेगा ना। अगर आप अपनी बात कह रहे हो तो हमको क्यों नहीं बताते? आपको नहीं पूछा था भाई, जालीदार टोपी में ना पड़िए। जो जिस टॉपिक पे आप बैठे हो, टॉपिक पे बोलिए। ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा, जनता देख रही है वो क्या समझेगी। पब्लिक सुन नहीं रही है, आपके नेता आप लोगों को सुनते नहीं है। चलिए ठीक है, आप दोनों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मैं अनिता जी पर जाऊंगी। अनिता जी आप बताइए, ये जो सियासी संग्राम हो रहा है और डिबेट में चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, बीजेपी का विजन क्या है मूर्तियों को लेकर? क्योंकि बीजेपी इस बार पूरी तरह से 4.5 साल हो गए हैं सत्ता में रहते हुए, इन कामों को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या अभी भी राम नाम का सहारा बीजेपी को चाहिए? देखिए, राम नाम का सहारा बीजेपी को क्या, पूरे विश्व को चाहिए नंबर एक। और राम नाम और भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जो राम मंदिर के साथ पूरे समय पे खड़ी रही और मंदिर के उसमें लगी रही। इसलिए राम नाम का सहारे की बात है केवल भारत। अनीता जी तक मानती है और मानती रहेगी, और इसके सहारे की जरूरत हमने कहा हमेशा रहेगी, हमेशा रहती है। लेकिन डर तो है इस बार राम मंदिर के बाद, राम मंदिर का फैसला आ चुका है। राम ये नहीं, विपक्ष हमेशा ये स्थिति पे उंगली उठाता था, रामलला हम आएंगे मंदिर में बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, हमारा मजाक बनाया जाता था। और आज कम से कम उस मजाक का आप लोग मजाक तो नहीं बन रहा, आज कम से राम मंदिर भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, इसका सबको स्वागत करना चाहिए और धन्यवाद। मैंने कहा धन्यवाद जनता के बीच जब हम जाते हैं, जनता से धरातल पर पूछते हैं कि कितना विकास हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि अब बहुत विकास हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी कहती है कि कुछ नहीं हुआ है 4.5 सालों में, तो डर तो है। तभी तो मायावती जी ने प्रबुद्ध सम्मेलन निकाला और आप भी पीछे पीछे चल दिए सम्मेलन निकालने के लिए, ब्राह्मणों को साधने के लिए, डर तो है। अरे काजोल जी, सबसे डर देखिए, जनता को भरोसा, हमने क्या काम नहीं किया? क्या हमने आवास नहीं दिए लोगों को? हमने शौचालय नहीं दिए? हमने क्या आयुष्मान योजना नहीं दी? हमने उज्ज्वला नहीं दी? हमने सौभाग्य नहीं दी? हमने क्या फ्री राशन नहीं बांटा? क्या हमने लड़कियों की शिक्षा नहीं दी? हमने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया? क्या हमने हॉस्पिटल दिया? हमने पूरा विकास कार्य को आगे बढ़ा रहे, विकास की गति को आगे बढ़ रही है। और आज आप एक चौथाई वैक्सीन जो है, आज हमारे कोरोना वैक्सीन जो आई, पहले सुन लीजिए, नहीं आप सुन लीजिए, अभी तक वैक्सीन कभी भी इंडिया में इतनी जल्दी आई है? कभी जैसे जल्दी इतनी वैक्सीन कोरोना की इंडिया में आ गई और पूरे कितने लोगों को लग गए, कितनी जल्दी में लगी है, कितने करोड़ लोगों को लगे, ऐसा कभी आज तक हुआ है? आज जो काम हम लोग कर रहे हैं जनता के हित के लिए कर रहे हैं, और जनता अच्छे से इसको समझ रही है। केवल आप विपक्ष की बातों को लेकर अगर बैठेंगे, विपक्ष का काम केवल हल्ला बोलना है, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में, चाहे यहाँ डिबेट पे, आपने देख लिया है, विपक्ष किसी की बात सुनना नहीं चाहता है, सुनना ही नहीं चाहता है। वो कम से कम इतना तो जानना चाहिए कि हम सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं और हम विकास के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आज है कि भय से जनता मुक्त हो चुकी है, आज उसको डर नहीं है कि हाँ इस चीज को ना उठाओ तो बम हो सकता है, उस चीज को ना उठाओ तो ठीक है। आप ये कह रही हैं, चलिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट पकड़ रही हूं अनीता जी, आप सुन लीजिए, मैं बहुत छोटा सा आपको पॉइंट पकड़ रही हूं, आप ये बताइए कि मैं यहां दिल्ली से नोएडा में नौकरी करने आती हूं, अगर रात के 11:30 या 12 बजे घर जाती हूं, क्या मैं सही सलामत पहुंच जाऊंगी? आप गारंटी लेते हैं उससे? आप मुझे बताइए, मेरी बात का जवाब दीजिए पहले। आप संवेदना आपकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप मेरी बात का जवाब दीजिए पहले। अनीता जी उसके कपिल जी हत्या के दो बहुत लंबे बरस, आप सब बोलिए और आपको समझ में आएगा। आपकी हत्या करवाने के बाद भी आपको शर्म नहीं आती है? अरे साफ साफ किसानों पर गोली चलाने वाले लोग, साफ साफ किसानों को आप लेके चलते बोल रहे हैं, ऐसे सब बोलेंगे कि कुछ समझ नहीं आएगा। मेरा छोटा सा सवाल था अनीता जी से, आपने जवाब नहीं दिया मुझे। राम भक्त हो गए ये, कब से राम भक्त हो गए इनको बताना पड़ेगा। जालीदार टोपी पहनने वाले भारतीय जनता पार्टी, आपस में बहस लेने से, आपस में बहस लेने से मुद्दा या मुद्दा नहीं रहेगा। ये भाजपा से गुमशुदा व्यक्ति है, ये भाजपा ने इनको ऐसे खराबता लिया है, इतने चीजों पर बैठ कर कोई भी डिबेट या कोई भी चर्चा पूरी हो सकती है? बोलिए,
बोलिए समाजवादी पार्टी के पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति है, उसके बाद आप लोग ऐसे कर रहे हैं। सबसे बड़ा वोट बैंक आपका है, जालीदार टोपी गायब हो गए स्क्रीन से, अभी स्क्रीन ही गया। जालीदार टोपी पहन के कितनी मूर्तियां लगवाएंगे आप मुझे बताइए, बताइए जालीदार टोपी पहन के कितनी मूर्तियां लगवाएंगे मक्का से लेके दिल्ली तक, कोई जवाब ही नहीं। फिर पूछ लीजिएगा, अब शांत हो गए सर, टेक्निकल इशू नहीं है मैम, हमें पता है उनका कौन सा इशू है, वो जब जवाब देने की बारी आती है तो भाग जाते हैं। एके जी, सब पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति इस तरह से बैसिएगा तो जनता को क्या समझ में आएगा, आप ये बताइए मुझे। किस मैम आपको मैं पहले बोल रहा था, जब मैं बोल रहा था कि आप इनका माइक म्यूट करिए, आपने क्यों नहीं किया माइक म्यूट, मैं इसीलिए शांत बैठा था, इनको बोलने दे रहा था। देखिए मुझे पता है आप उनको, हमें भी आता है, मुझे पता है आप गला दबवाएंगे क्या, हमें भी लोकतंत्र का गला दबवाएंगे क्या। अरे आप गला यार, हत्यारे आप हैं, राम मंदिर कार सेवकों की हत्या करने वाले आप हैं, आप हत्या हत्या हत्यारा आदमी बैठ करके ये बोल रहा है लोकतंत्र का गला। ठीक है, आपकी बहस खत्म हो जाएगी, आते हैं साहब खत्म हो जाएगी, तो आप बता दीजिए। आप जालीदार पहन के फूलन देवी, आप तो पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं, आप निषाद हो रहे हैं, जालीदार टोपी आज आप पहन के नहीं बैठे भाई, आप पत्रकार हैं नहीं तो बात कहां से करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन ये कि भाजपा के और मिश्रा जी, मैं आपकी आवाज को डाउन करा रही हूं, आप प्लीज अपने माइक म्यूट कर दीजिए। भगवान विष्णु की मूर्ति का अनावरण अनीता जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? अनीता जी, हम इसलिए चिंता कर रहे हैं, हम इसलिए चिंता नामों से पुकारा जाता है, लेकिन मिश्रा जी की पंडितों के कहते हैं राज नेम वाले हिंदू हैं, आप रंग बदलने वाले हिंदू हैं, आपको पहचान। अरे भाई गिरगिट तो आप हैं, पत्रकार बन के देखिए, आप आपस में लड़ लीजिए, आप आपस में लड़ लीजिए, मैं डिबेट छोड़ के जा रही हूँ, हमें पता है, आप लड़ लीजिए, मैं जा रही हूँ, एंकर की स्क्रीन खाली रहेगी, वो ज्यादा बेहतर लगेगा, आप लड़ लीजिए, मैं उठ के जा रही हूँ। मैं ना तेरा में है, ना आप हिंदू है ना मुसलमान है, हमें तो समझ नहीं। आप लड़ लीजिए, आप क्या है, लड़ लीजिए, फिर मैं उठ के जा रही हूँ, अब मैं बोल रही हूँ, आप बताएंगे, आप परमिशन दे तो मैं बोल रही हूँ, आप परमिशन दीजिएगा तभी मैं बोलूंगी, वरना मैं चुप रहूंगी। जंगल में कल्याण नहीं होगा, दूसरे लोगों के बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है कि उन्हें सम्मानित और पढ़े लिखे होकर भी आप इस तरह से मेरी बात सुन ही नहीं रहे। आपको मिल जाए 2022 में, नहीं तो डिबेट में भी आना बंद कर देंगे। दो चार कपीश जी शांत हो जाइए, ठंडा पानी पीजिए थोड़ा, डिबेट नहीं कर रहे हैं, आप तो विधानसभा में मंत्री का पद लेके बैठे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ, फाइनेंस विधि मंत्री कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी, घर से नहीं बैठे हैं, संस्कार दिखाइए, हम तो संस्कार ही दिखाएंगे। चले ठीक है, आप बन गए, आप सत्ता में आ गए, अब शांत हो जाइए, पार्टी के विद्वान लोगों को हकीकत और अनीता जी से पूछ रहे हैं, अनीता जी आपने बात कर दी है, लड़कियां पूरी तरह से सुरक्षित है प्रदेश में, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं बेटा बिना होकर मुझे मैं लेती हूँ, अगर रात के 11:30 बजे मैं ऑफिस से छूटती हूँ, दफ्तर से छूटती हूँ, तो क्या मैं सही सलामत बर्बाद करूंगी, आप जवाब दीजिए। ऐसे नेता लोग हैं ये, इनके सोच पे तरस आता है, इनका मजाक की दवा खा के बचा दीजिए, ये सोच लेते हैं, अरे बीपी की दवा खा के प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, हम मानते हैं बता दिया कीजिए ना, है लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, आप कहे नहीं मानेंगे, आपको मानना पड़ेगा, चार बार हमने प्रदेश सरकार चलाई है,
आपने नहीं चलाई है। आपके नेता ने बड़ा सही बोला था, लड़कों से गलतियां हो जाती है। आप अभी महिलाएं बैठी हैं इस डिबेट में, लिहाज कर लीजिए। अरे गलतियाँ हो जाती है भाई आपसे, आपके नेता ने आपके नेता ने बोला है गलतियाँ। मिश्रा जी बात है, कपीस जैसे खराब करते हैं। आप चुप रहिए, ये पत्रकार नहीं है। बालकों से गलती हो जाती है। पहले बताइए, जालीदार टोपी पहन के भगवान विष्णु की मूर्ति का अनावरण कब करेंगे बताइए? शांत रहिए। टोपी पहन के मूर्ति का अनावरण कब करेंगे? मूर्ति का विनोद जी आपको आवाज आ रही है? आप भी कुछ बोल लीजिए, आप भी किस तरह से समाजवादी पार्टी का हृदय परिवर्तन हो रहा है? इतना तो वाल्मीकि और अंगुली माल का हृदय परिवर्तन और अच्छे तरीके से होगा। आप अपने टिकट का जुगाड़ कर लीजिए, आपको तो टिकट अपने प्रवक्ता पद का नियुक्ति पत्र दिखाएंगे आप। तो देखा आपने किस तरह से जब जब सवाल किए जाते हैं तो कुछ मेहमान भी ऐसे होते हैं जो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते, और ऐसा ही इसमें हो रहा है। लगातार मैं यहाँ शांत करने की कोशिश कर रही हूँ तमाम मेहमानों की, लेकिन सबका गुस्सा इतना ज्यादा है कि कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपने आप को सबसे आगे रखना है, ये जनता का मुद्दा है। क्या इस तरह से जनता के बीच आप पहुंचेंगे? क्या इस तरह से सत्ता में काबिज होंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन लगातार ये भी सवाल मैं कर रही हूँ कि इन लोगों से मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर क्या इनका विजन है, और मूर्तियों पर जो हमेशा संग्राम होता रहा है वो क्यों हो रहा है? चुनाव के टाइम पे क्यों ये सब चीजें याद आती हैं? पर कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहसबाजी कर लेते हैं, लेकिन जो सटीक जवाब मुझे चाहिए होता है वो जवाब इन लोगों के पास नहीं है। तो एक बार फिर से फूलन देवी का जो मुद्दा है वो लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। इसमें निषाद पार्टी, बीजेपी और सपा प्रमुख नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के साथ निषाद पार्टी है। तो ऐसे में अब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि चुनावों का जो वार है वो मूर्तियों को लेकर मारा मार की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो परशुराम की मूर्ति हो, चाहे वो राम की मूर्ति हो, चाहे वो कृष्ण की मूर्ति हो, या फिर फूलन देवी की। फूलन देवी अब सामने आ गई हैं। देखिए सत्ता में वो पहले रही हैं सपा में, काफी सालों तक रही, लेकिन तब ये याद नहीं आया कि फूलन देवी की प्रतिमा बनवानी है या नहीं बनवानी है। लेकिन अचानक से निषाद जो वर्ग है उनको साधने के लिए सपा ने ये कार्ड खेल दिया। इससे निषाद जो वर्ग के लोग हैं, निषाद समाज के जो लोग हैं, वो बेहद नाराज हैं। उनका मानना है कि सिर्फ और सिर्फ फूलन देवी का नाम का इस्तेमाल सपा राजनीति में कर रही है, और जब वो सत्ता में थी तब उन्हें कुछ नहीं दिया गया, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। हालांकि निषाद पार्टी भी इसे पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट बना रही है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा निकलकर सामने नहीं आया था। यूपी की राजनीति है, बहुत कुछ हो सकता है, अचानक से बहुत कुछ बदल सकता है, और कब क्या निकलकर सामने आ जाए कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिन्ना का जिन भी बार बार जिंदा हो जाता है चुनावों में। तो कभी महान व्यक्तियों की मूर्तियों का यहां पर बखान होने लगता है, तो कभी किसानों का मुद्दा सामने आ जाता है, अचानक किसानों की याद आ जाती है। और इस बार तो मुद्दे सारे हैं
चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो जिन्ना के जिनका हो, फूलन देवी की मूर्ति का हो, या फिर कृष्ण और परशुराम की मूर्ति लगाने को लेकर हो। बसपा लगातार ब्राह्मणों के सहारे आगे बढ़ती हुई कोशिश कर रही है। सपा जो है वो पूरे वर्ग को साधने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो यादव हो, या फिर ब्राह्मण समाज हो, या फिर दलित हो। मुसलमान काफी ज्यादा हाशिए पर नजर आ रहे हैं क्योंकि ओबीसी की एंट्री हो गई है। ऐसे में मुसलमानों के पास कोई नहीं जा रहा है, सब सिर्फ कह रहे हैं कि हम सबके साथ हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत दूरी बना रखी है पार्टियों ने। इसके पीछे क्या वजह है लगातार हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यही सामने आ रहा है कि ओबीसी अब यूपी की सियासत में एंट्री कर चुके हैं, तो ऐसे में मुस्लिमों को अपने पाले लाने में बहुत मुश्किल राजनीतिक दलों के लिए हो सकती है। तमाम बातें जो हैं वो यूपी की राजनीति में निकलकर सामने आ रही हैं। तो मिशन 2022 को लेकर घमासान लगातार मचा हुआ है, मूर्तियों पर सियासी संग्राम लगातार हो रहा है। इसके अलावा तमाम और मुद्दे हैं जिसको लेकर संग्राम लगातार जारी है। महंगाई, किसान, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। निजीकरण जो लगातार हो रहा है तमाम चीजों का, उस पर भी लगातार कोशिश की जा रही है कि सरकार को घेरा जाए। प्रदेश सरकार को बहुत मुद्दों पे घेरा जा रहा है, चाहे वो अपराध हो, चाहे वो 2020 का बीकरू कांड हो, चाहे वो 2020 का हाथरस कांड हो, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, चाहे उससे पहले सोनभद्र का कांड हो, ये तमाम चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहा है। और इसके अलावा अब मूर्तियों पर सियासत हो रही है, इससे पहले भी मूर्तियों पर सियासत हुई है। देखिए, जब मायावती ने मूर्तियां लगवाई थी, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे वो नोएडा में हो, तब उसके बाद सियासत बहुत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लगातार बहुत सारी चीजें सामने आई थी। सोशल मीडिया पर लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मूर्तियां लगवाना सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसों की वेस्टेज है, इसे स्कूल बनाने, अस्पताल बनाने, कॉलेजेस बनाने, शैक्षणिक संस्थान बनाने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि मूर्तियां लगाकर पैसों की यहाँ पर अनदेखी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद यहाँ पर किया जा रहा है, जातिवाद की राजनीति की जा रही है। जो ब्राह्मण हैं उनको साधने के लिए बसपा और बीजेपी की होड़ मची हुई है। जो ओबीसी वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो यादव वर्ग है, उनको साधने के लिए सपा पहले से ही पैर पसाए बिसात बिछाए बैठी हुई है। वहीं अगर बात की जाए निषाद वर्ग की, तो उनको साधने के लिए भी निषाद पार्टी पूरी तरह से तत्पर है। और फूलन देवी का जो मूर्ति बनाने का जो सब सियासी खेल है वो यहीं से आया है। उसके बावजूद अगर कांग्रेस की बात की जाए, तो जैसे कि अभी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हम ना तो मूर्ति की राजनीति करेंगे, ना ही जातिवाद की राजनीति करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करेंगे, हम लगातार विकास करते हैं और हम भरोसा करते हैं कि हम इसी पर आगे बढ़ते रहें। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से धरातल से गायब है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। 2019 से ही कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार हर मुद्दे को लेकर यूपी में आ जाती हैं और सियासी संग्राम करती हैं। उम्मीद तो ये भी है कि 2022 का विधानसभा चुनाव वो अमेठी या रायबरेली से लड़ सकती हैं। तो ऐसे में अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो हो सकता है कि कोई कांग्रेस के लिए चमत्कार हो जाए, लेकिन अगर नहीं तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। तमाम अन्य दलों की बात की जाए तो छोटे छोटे दल अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी पार्टी के साथ वो मिले और फिर एक गठबंधन की राजनीति यहाँ पर हो सके। तो बहुत सारे फैक्टर उत्तर प्रदेश में, जितना आप बोलेंगे उतना कम है, जितना आप समझने की कोशिश करें उतना उलझते चले जाएंगे। बहुत राजनीति है उत्तर प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा सूबा है राजनीति के लिहाज से, और दिल्ली का रास्ता भी यहीं से ही होकर जाता है। अगर आपने यूपी फतह कर लिया तो आपकी जीत दिल्ली में भी निश्चित हो जाती है, यानी कि केंद्र में भी निश्चित हो जाती है। और बीजेपी ने बखूबी ऐसा किया है, एक बहुत बड़ा उदाहरण बीजेपी है जिसने ऐसा करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज हुई, फिर केंद्र में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हुई, और ऐसे में डबल इंजन की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का जरूर कहना है कि हम सिर्फ चुनावों के दौरान काम नहीं करते हैं, हम सालों साल लगातार काम करते रहते हैं और इसी काम के बलबूते हम लगातार आगे बढ़ते रहे हैं, और इसी काम की जो एक समीक्षा है वो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक सम्मेलन कर रहे हैं, जनसंवाद रैलियां यहाँ पर निकाली जा रही हैं, ताकि जितने भी छोटे से छोटे स्तर का व्यक्ति हो, गाँव देहात हो, वहाँ से लेकर शहरों तक, महानगरों तक हम जाएँ और लोगों तक अपनी उपलब्धियाँ पहुँचाएँ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो निकल कर सामने आया था, वो ये था कि उत्तर प्रदेश में मुंबई से भी बड़ी फिल्म सिटी बनाना, जैसे कि 2020 में सामने आया, उसको लेकर
यमुना एक्सप्रेस वे के पास जमीन भी पूरी तैयार कर ली गई है, पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, मॉडल तैयार कर लिया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वाकई प्रदेश सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छी की है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहता है। वो अपराध हो, चाहे वो लूट की या डकैती की घटना हो, या महिलाओं के प्रति बढ़ते बलात्कार हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे चक्रियों में एक ऐसे मुद्दे के साथ जो सीधे आपसे जुड़े हैं और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़े हैं। तब तक के लिए नमस्कार।